हमारे पूर्वज जितने भी अलग अलग प्रकार के विधि विधान और जीवन में जो भी दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में समस्याएं आती हैं, उनके समाधान के स्वरूप में बहुत सारे समाधान देकर के गए। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पक्षी को अगर आप खाना खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, तो आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में उत्तरोत्तर उन्नति होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मछली को अगर आप चारा खिलाते हैं, मछली को अगर आप खाना खिलाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन में एक स्फूर्ति रहेगी। आपने ये भी सुना होगा कई जगहों पर कि यदि चींटी को आप दाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आपके जीवन से दरिद्रता कम होगी, कर्ज से मुक्ति होगी और आप एक धन संपन्न वाले व्यक्ति बनेंगे। आपने यह भी सुना होगा कि यदि आप गाय को खाना खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं और गाय को आप चारा देते हैं, तो आप गृह क्लेश से, पारिवारिक झगड़ों से, परिवार में होने वाले अलग अलग प्रकार के बिखराव से मुक्त हो सकते हैं, परिवार में एक सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि यदि आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को या अपने पाले हुए कुत्ते को यदि आप भोजन देते हैं, तो आप शत्रुओं से दूर रहेंगे और शत्रु आपके करीब नहीं आ सकते, आपके शत्रु होंगे ही नहीं। इस तरह की आप बहुत तरह के हमारे पूर्वजों द्वारा दिए हुए ज्ञान सुने होंगे। इन सब के अपने अलग अलग अभिप्राय हैं। इसको अगर मैं मनोवैज्ञानिक तौर पर देखता हूँ तो इसके अपने अलग मतलब भी हैं। जैसे यदि आप चिड़िया को खाना देते हैं, मतलब आप आसमान की तरफ देखते हैं, और जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वही व्यक्ति व्यवसाय में, बिजनेस में ग्रो करता है जो एक ऊंचा लक्ष्य रखता है, एक अपने कैपेसिटी से ज्यादा सोचता है। फॉर देम स्काई इज द लिमिट। और इसीलिए चिड़िया को चारा खिलाने का सांकेतिक महत्व भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका धार्मिक एंगल नहीं है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक एंगल ज्यादा मजबूत मालूम पड़ता है। जब आप चींटी को दाना खिलाते हैं, तो अब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं और छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नुकसान, खर्च व्यक्ति को कंगाल कर देती है। और जो व्यक्ति उन छिद्रों को ढूंढ ले जहां से पैसे की बर्बादी होती है, धन संपदा की बर्बादी होती है, जहां से खर्च बेफजूल होते हैं, तो वह अपने आप कर्ज नहीं लेगा और उसके घर में धन संपदा आएगी। गाय हर एक तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, चाहे उसका गोबर हो, चाहे उसका मूत्र हो, चाहे उसका दूध हो, हर तरह से गाय हमारे जीवन में उपयोग, गाय हमको पूरे जीवन से देती है, फिर भी विनम्रता की प्रतीक है। आप गाय को देखेंगे, वो गाय कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ देती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके बावजूद भी उसमें विनम्रता है। तो जब परिवार का हर एक व्यक्ति इस भावना से प्रेरित होगा कि हमारा काम में दूसरों को देना है, दूसरों के लिए समर्पण है, लेना नहीं है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमको प्रेम देना है, लोगों को सिर्फ सहयोग देना है, अगर इस भावना को गाय से लोग स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो परिवार में सौहार्द रहेगा, परिवार में क्लेश नहीं होगा।
जब आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ता एक वफादारी का सिंबल है, और अगर कुत्ता आपको अपना मालिक मान लेता है तो आपके आसपास में कोई शत्रु भटक नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। जब आप मछलियों को खाना देते हैं तो मछली चंचल होती है, और आप जब मछली को देखते हैं तो आपके शरीर में भी एक अलग तरह की संवेदना ऊर्जा का संचार होता है, और वो आपको स्फूर्ति देती है। और अगर आप अपने शरीर में स्फूर्ति रखें, अपने शरीर को आप लगातार एक्टिव रखें, तो बीमारी आपसे दूर रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहें, आप जुड़े रहें। आपके दिन शुभ रहे। इन शुभकामनाओं के साथ प्रणाम।